हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई कॉमर्स हब। मैं सुनील और आपको जल्द ही बताऊंगा मैं ईबे में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं ईबे में प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और मैं आपको एक फैक्ट बात बता दूं दोस्तों कि ईबे जितना सिंपल है ऑनलाइन सेलिंग के लिए, वैसा कोई दूसरा मार्केट प्लेस इंडिया में नहीं है। बहुत सिंपल है, अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस में घुसना और सेलिंग करना, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप ईबे से शुरुआत करिए। तो चलिए देखते हैं कि ईबे से रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। पहले तो आप उनकी वेबसाइट में चले जाइए ebay.in पे। ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे .com होते हैं, .au होते हैं, तो आप .in में ही जाइएगा। ऊपर लेफ्ट साइड में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा आपको, रजिस्टर, वहाँ पर आप क्लिक करिए। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आप सीधे पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछी जाएगी। आपको यहाँ पे डिटेल्स नहीं एंटर करनी है। अगर आप एज एन इंडिविजुअल सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी है और वो कंपनी के थ्रू आप सेल करना चाहते हैं तो आपको नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे रजिस्टर एज अ बिजनेस अकाउंट, वहाँ पे आप क्लिक करिए। वहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ही पेज में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मांग लेंगे। यहाँ पे बिजनेस का नाम, क्या टाइप का बिजनेस है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करिए, रिटेलर है तो रिटेलर, होलसेलर है तो होलसेलर, ट्रेडर है तो ट्रेडर, जो आपकी कैटेगरी आती है आप वो सिलेक्ट करिए। सैल्यूटेशन में MS करके आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे डाल दें, या फिर आप अपना नाम यहाँ पे डाल दें। एड्रेस डाल दीजिए कंपनी का, सिटी, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, प्राइमरी टेलीफोन नंबर, सेकेंडरी टेलीफोन नंबर, और यहाँ पे बताया गया है आई वुड लाइक टू बाय एंड सेल, सो आप दोनों करना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे फॉर नाउ आई वुड लाइक टू बाय ओनली तो चलेगा, बट ये बेहतर रहेगा कि आप यही ऑप्शन सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें। प्लीज़ यूज़ एन ईमेल एड्रेस दैट यू फ्रीक्वेंटली एक्सेस। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालिए जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। री एंटर योर ईमेल आईडी, यहाँ पे कैप्चा दिया गया है, आप वो नंबर देख के एंटर कर दीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये अग्रीमेंट है उनकी जो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, पैसा पे अग्रीमेंट भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ये अपडेट सारे डालते हैं, ये इन्फॉर्मेशन सारी इनपुट करते हैं, तो आप सीधे ईबे के वेबसाइट में रजिस्टर हो जाएंगे और आपको वो ऑप्शन देखने मिलेगा जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। चलिए उनके होम पेज पे एक बार चले जाते हैं। यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है माय पैसा पे एंड माय ईबे। अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन का ऑप्शन पूछेंगे दोनों में। ये देखिए, दोनों में लॉगिन का ऑप्शन पूछ रहे हैं। आपके पास अगर लॉगिन आईडी आ जाती है उसके बाद आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप उनके सीधे पैनल में आ जाएंगे, एडमिन पैनल में। चलिए यहाँ पे हम हमारा डाल देते हैं। ये उनका पैनल है, एडमिन पैनल, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेगी एज अ सेलर, ठीक है। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके ईबे में वो सब दिखाएगा। ये सारी जानकारी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊँगा कि कैसे आपको ये सब अपडेट करना है, कैसे प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, कैसे सेल करना है, कैसे शिप करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे बताऊँगा। ये हो जाने के बाद आपकी डिटेल्स आपने जब एंटर कर ली तब आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे आपसे, जो आपको मेल के थ्रू भेजने पड़ेंगे। तो ईबे वाले आपको कांटेक्ट करेंगे मेल के थ्रू और आपसे पूछेंगे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, तो आप उनको रिप्लाई में सारे डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। ये जो ऑप्शन है अकाउंट का, यहाँ पे सारी जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे आप चेक कर सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे सारे चेंजेस आप कर सकते हैं, जो भी है आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। हम वन बाय वन हर एक चीज़ आगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये फील्ड होता क्या है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए हम इतना ही देखेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। आपने देख लिया कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है,
उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में आपके आपका जो बैंक डिटेल्स है वो लगेगा, टिन नंबर, सीएसटी नंबर की डिटेल्स चाहिए होंगी, आपकी कंपनी का पैन कार्ड चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, ये सारी डिटेल्स वो मांगेंगे और वो आपको उनको भेजनी पड़ेगी, ठीक है। वो भेजने के बाद एक दो दिन में सब वेरीफाई हो जाता है और उसके बाद आप जो भी सेल करेंगे उसका पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी ईवे में दो तरीके से शिपिंग होता है, पैसा पे से, पावर शिप से होता है, और सेल्फ शिप भी होता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आगे बताएंगे आपको। फिलहाल अभी के लिए इतना। अगर आपके पास कोई ऐसा डाउट है जो मैंने इसमें क्लियर ना किया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा मेरी तरफ से। थैंक यू।